बुडमल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई भी कमी नहीं है और यहां पर बाकी प्रदेशों की तुलना में हालात काफी सामान्य है, लेकिन ऑक्सीजन की खपत के लिए प्लानिंग के साथ काम करने की जरूरत है। ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने श्री लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज नेरचौक में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत के दौरान कही। इससे पहले उन्होंने मेडिकल कॉलेज में जिला के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक करके जिला में कोविड की स्थिति की समीक्षा भी की। जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को मेडिकल कॉलेज नेरचौक में अधिक से अधिक बिस्तरों पर ऑक्सीजन सुविधा देने के निर्देश भी दिए थे। उन्होंने कहा कि 500 बिस्तरों वाले इस अस्पताल में अभी 160 बिस्तरों पर ऑक्सीजन की सुविधा है, जबकि इसे और बढ़ाने की जरूरत है। जहाँ तक हिमाचल प्रदेश की बात है, ऑक्सीजन की वो स्थिति तो नहीं है। ठीक है, हमको बहुत किफायत के साथ और बहुत प्लानिंग के साथ जो है इसमें काम करना है, ऑक्सीजन वेस्ट ना हो और ऑक्सीजन जितनी ज़रूरत है उसके मुताबिक उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, उस सारी चीज़ के लिए हम काम कर रहे हैं। लेकिन अभी तक हिमाचल प्रदेश में कोई इस प्रकार की स्थिति नहीं है कि ऑक्सीजन की कमी हो। मंडी का ये मेडिकल कॉलेज डेडिकेट किया हमने कोविड के पेशेंट्स के लिए, और यहाँ 500 की कैपेसिटी का ये हॉस्पिटल है जहाँ 500 बेड है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ जो रेगुलेट किए जा सकते हैं वो बेहतर ढंग से जो किए जा सकते हैं वो 160 है। 500 में से और भी ज़्यादा बेड्स हम जो है उसमें कोविड पेशेंट के लिए ऑक्सीजन के साथ दे सकें, उसके लिए भी एक प्लान हमने यहाँ पर बनाया है। ज़्यादा पेशेंट आते हैं तो ज़्यादा लोगों को यहाँ पर सुविधा उस दृष्टि से दी जाए, ऐसा भी एक प्रयत्न कर रहा है। उज्ज्वल हिमाचल के लिए मंडी से उमेश भारद्वाज।